नमस्कार, लोबसिस किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आयुर्वेदिक तत्वों से भरपूर चाय का मसाला। इसके लिए हमने यहाँ लिया है 50 ग्राम सौंठ। इसके हमने पीसेस कर लिए हैं खलबत्ते में, यहाँ आप देख सकते हैं कैसे किए हैं। 25 ग्राम ब्लैक पेपर, 25 ग्राम हरी छोटी इलायची, 10 ग्राम लौंग और 10 ग्राम दालचीनी। इन सब मसालों का आयुर्वेद में जो महत्व है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी रेसिपी आगे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम आपको इन मसालों का महत्व बताते जाएंगे। तो आप हमारा ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए चाय का मसाला बनाते हैं। यहाँ पैन हमारा गुनगुना गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले सौंठ डालते हैं। ये मसाले हमें लो फ्लेम पे ही भुनने हैं, ज़्यादा नहीं भुनने, बस 2 से 3 मिनट भुनने हैं। इसे हम आधा मिनट भुनेंगे। आधा मिनट हो गया है। अब ब्लैक पेपर डालेंगे, हरी इलायची, लौंग और दालचीनी। इन सबको हम लो फ्लेम पे 2 मिनट भून लेते हैं। इन मसालों में जो सौंठ है उससे क्या फायदा होता है, वो हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारता है। कोल्ड हुआ तो उसमें नेचुरल मेडिसिन का भी काम सौंठ करता है, और इसमें जो ब्लैक पेपर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करता है। वेट लॉस में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, बुखार भी कम करता है। 2 मिनट हो गए हैं, हमारे मसाले भून के तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। इन मसालों को हम 1 मिनट इसी पैन में रहने देते हैं, क्योंकि पैन की जो हीट है उसी हीट से वो थोड़े और भुन जाए। अब इन मसालों को हम दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि ठंडे होने के बाद हम इसकी पाउडर बना सकें। हमारा मसाला ठंडा हो गया है। अब इसे मिक्सी के जार में डाल के बारीक कर लेते हैं। मसाला एकदम अच्छे से बारीक हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे से बारीक हो गया है। इसे हम छानकर नहीं लेंगे, क्योंकि चाय तो हम छानते ही है। इस चाय के मसाले में हमने जो दालचीनी ली है वो कफ को भी कंट्रोल करती है, और डायबिटीज के लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हमारा जो चाय का मसाला तैयार हो गया है, उसे से हम आपको चाय भी कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे। मसाले का प्रमाण कितना डालते हैं वो भी बताएंगे। हम यहाँ 2 कप चाय बनाने वाले हैं, तो 1.25 कप पानी लेंगे, गैस ऑन करेंगे, 3 छोटे चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे और स्वादानुसार चीनी। चीनी या चाय की पत्ती आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, उसका कुछ फिक्स नहीं, हम सब अपने अपने पसंद से डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच चाय का मसाला जो हमने बनाया है, आप चाय का मसाला भी आपकी पसंद से हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर पसंद है तो आप चाय का मसाला थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा फ्लेवर कम चाहिए तो आप चाय का मसाला थोड़ा कम डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से उबालने देते हैं। इस मसाले में हमने जो लौंग ली है वो भी कफ कंट्रोल करती है, डाइजेशन सिस्टम भी इम्प्रूव करती है, और इसमें हमने जो लौंग और इलायची ली है वो नेचुरल माउथ फ्रेशनर भी है। इलायची एसिडिटी को भी कंट्रोल करती है। ये हमारे हो गए लौंग और इलायची के फायदे। चाय हमारी अच्छे से उबल गई है, मसालों का अच्छे से फ्लेवर भी इसमें पूरा उतर गया है। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे और 1/4 कप, जितना हमने पानी लिया था 1/4 कप, उतना ही हम दूध डालेंगे, और इसे अच्छे से फिर से उबालने देते हैं। यहाँ हमारा चाय का मसाला और चाय रेडी है। इस चाय के मसाले में औषधि तत्व बहुत ज़्यादा है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम में इस मसाले का चाय करना है, तो इस मसाले के साथ आप चाय में थोड़ी तुलसी के पत्ते और लेमन ग्रास भी डाल सकते हैं, तो एकदम औषधि युक्त परिपूर्ण चाय बन जाएगी और सर्दी खांसी में राहत मिलेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लोबसिस किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।